यार मैंने पिछले बहुत सारे बड़े एक्टर्स पे वीडियो बनाई है, शायद आपने नहीं देखी, पर अभी तक अब कहीं जाके मेरे दिमाग में एक बात आई है कि मैंने बॉलीवुड के बादशाह पे यानी हमारे किंग खान पे एक भी वीडियो नहीं बनाई है। आई नो आई एम सो इडियट, पर आज इनके बारे में जो मैं आपको बताऊंगा या बताने वाला हूँ वो आपने पहले नहीं सुना होगा। नंबर वन, ये इंडिया के सबसे अमीर आदमी बनना चाहते हैं। हाँ, ये बहुत एम्बिशियस है। ये मुकेश अंबानी तक को बीट करना चाहते हैं, वैसे ऐसा हो नहीं पाएगा, ये लगभग इम्पॉसिबल है। और मुकेश शाहरुख ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और ये बहुत एम्बिशियस है, मैंने पहले ही बोला था। इनको बस नंबर वन पर आना है, वैसे एक्टिंग के करियर में तो है ही बॉलीवुड के बादशाह, लेकिन वैसे अमीर में भी चाहते हैं। नंबर टू, इनकी प्रॉपर्टी चांद पे भी है। हाँ, मैं भी हैरान रह गया था इनकी ऑस्ट्रेलिया ये वाली खबर सुन के। मैं बताता हूँ क्या हुआ था। एक बार ऑस्ट्रेलिया फैंस ने, जब लूनर रिपब्लिक डे हुआ था, उस दिन चंद्रयान चांद पे गया था और वहाँ पे किसी ने उनके नाम पे जैसे कुछ पत्थर पे शाहरुख खान का फ़ोटो या फिर नाम लिख कर आ गया, मतलब चेहरा बना दिया फ़ोटो छाप कर। तो हाँ, ऑस्ट्रेलिया के फैंस ने इनके लिए बहुत कुछ किया है और अब इनकी प्रॉपर्टी एक अलग ही धूम मचा रही है, मतलब अमीर होके भी कितने अमीर होते जा रही हैं। नंबर थ्री, लॉस एंजलस फैन। इनकी फ़ैन फॉलोइंग अमेरिका में इतनी है कि जब भी इनकी कोई मूवी रिलीज़ होती है तो उस मूवी का करेक्टर जो ये प्ले करते हैं उसको लॉस एंजलस पे उसका स्टैचू बनवाया जाता है, मतलब अंधी फैन फॉलोइंग है शाहरुख खान जी की वहाँ पे लॉस एंजलस, अमेरिका के खासकर लॉस एंजलस इलाके में। नंबर फोर, 1998 में इन्होंने एक जी सिनेमा अवार्ड्स बेस्ट एक्टर जीता था, पर जब ये स्पीच देने आए तो इन्होंने कहा, सलमान भाई को बुलाया और उनको अपना अवार्ड दे दिया और कहा कि थैंक यू और मेरी तरफ से तुम्हें स्पीच बोल दो, मतलब बहुत अच्छा काम किया। वैसे सलमान खान उस टाइम पे वक्त उभरते हुए सितारे थे। नंबर फाइव, ये बहुत सालों से कॉफ टॉप फाइव रिचेस्ट एक्टर इन द वर्ल्ड में आ रहे थे। जब इनकी प्रॉपर्टी पे नज़र पड़ी फिर दोबारा से, तब पता चला कि ये टॉम क्रूज से भी ज़्यादा अमीर हैं, मतलब इन कंपेयर टू नेटवर्थ। इनफैक्ट अब ये सेकंड रिचेस्ट एक्टर हैं पूरे दुनिया के। मेरे घर के नीचे यार इतनी बाइक है, मैं क्या करूं। नंबर सिक्स, इन्होंने आइकॉनिक मूवी DDLJ की स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी थी। ये उस टाइम पे बाजीगर और डर जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देने के बाद आदित्य चोपड़ा ने इनको फिल्म ऑफर की और इन्होंने बिना स्क्रिप्ट पढ़े साइन कर दिया। और वो आप हम सब जानते हैं कि DDLJ कितनी फेमस है, यहाँ तक कि DDLJ मुंबई में 5 साल तक लगी रही थी एक सिनेमा हाउस पे। नंबर सेवन, इनको आइसक्रीम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नंबर एट, वेडिंग रिंग गौरी और SRK की शादी को 28 साल हो गए हैं, ये हम सब जानते हैं, पर आज भी ये वही अपनी 25 साल पुरानी 28 साल पुरानी वेडिंग रिंग राइट हैंड पे पहनते हैं, जबकि गौरी जी को इन्होंने 9 करोड़ की एक अलग से वेडिंग रिंग ला रखी है। नंबर नाइन, इन्होंने हर जगह एडमिट किया है कि ये 100 सिगरेट भी एक ही दिन में पी जाते हैं, मतलब काफ़ी चेन स्मोकर हैं। नंबर टेन, ये तो पक्का नहीं, इन्होंने बोला था कि ये एक दिन में 30 ब्लैक कॉफ़ी भी पी लेते हैं कभी कभार। नंबर 11, ये बहुत शर्मीले हैं और ये कभी भी पब्लिक प्लेस पे, सिर्फ रिकॉल करना, पब्लिक प्लेस पे अपनी शर्ट नहीं उतारते हैं। नंबर 12, अपने स्ट्रगल के टाइम इन्होंने मुंबई के एक ढाबे पे भी काम कर रखा है। नंबर 13, ये लक्की नंबर इनके पास है 5, मतलब इनकी जितनी भी गाड़ियां हैं सबके नंबर प्लेट्स हैं 5555। ये इन नंबर प्लेट्स को हर गाड़ी में लगवाते हैं और ये इनको बहुत ज़्यादा लक्की भी मानते हैं। नंबर 14, SRK को घोड़ा चलाने में बहुत ज़्यादा डर लगता है और आइसक्रीम कभी नहीं खाते, ये मैंने पहले ही बताया था। नंबर 15, इनका फेवरेट एक्टर है दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन और फेवरेट एक्ट्रेस हैं मुमताज़ और सायरा बानो, और इनके फेवरेट दिलीप कुमार के होने के कारण ये दिलीप, मतलब कि शाहरुख खान जी और दिलीप कुमार बॉलीवुड के लौते ऐसे एक्टर हैं जिन पर सबसे ज़्यादा फिल्म फेयर अवार्ड्स हैं। नंबर 16, ये बात आपको जानकर हैरानी होगी, जब शाहरुख खान दुनिया में आए थे तब इनका नाम शाहरुख खान नहीं था, अब्दुल रहमान था, क्योंकि दुनिया में आने के बाद ये 5 साल तक अपनी नानी के घर पे रहे थे क्योंकि इनके पापा फ्रीडम फाइटर थे यंगेस्ट, और वहाँ पे इनका नाम था अब्दुल रहमान, और फिर जब ये वापस आए घर पे तो इनके पापा ने चेंज किया और अब हम सब जानते हैं किंग खान उर्फ शाहरुख खान। नंबर 17, इन्होंने शुरुआती के दिनों में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा डेलिट में परफॉर्म किया था दिल्ली में, यार मतलब बहुत अमेजिंग बात है कि दिल्ली के जाके मुंबई पे राज कर रहा है। नंबर 18, इनके चाइल्डहुड फ्रेंड हैं अमृता सिंह, अभी भी हैं वो तो। नंबर 19, शाहरुख खान किसी शादी में नाचने के लिए 8 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं और
नंबर 19, ये फिल्म के लिए कभी भी पैसे नहीं लेते। जी हाँ, ये इंडोर्समेंट के पैसे लेते हैं, फिल्म में बिल्कुल मुफ्त में काम करते हैं। इनका जो हाउस है, मतलब जहाँ पे ये रहते हैं, मन्नत हाउस कहलाता है वो, उसको उन्होंने 2002 में ख़रीदा था सिर्फ 14 करोड़ में, और आज इसकी वैल्यू 200 करोड़ है। मतलब प्रॉपर्टी के हिसाब से तो बढ़ रही है, और इनके फेम के हिसाब से ही बढ़ रही है। जी हाँ, इनका फेम की वजह से ही बढ़ रही है। तो बस पहले हो गया आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। तो फिर यार फिर मिलते हैं कल को। बाय बाय।